सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रत्येक वर्ष वैशाली लोकसभा क्षेत्र में ईद के मौके पर जाते थे, लेकिन इस बार नतीजा नहीं जा रहे हैं, इस पर क्या मुबारकबाद देना चाहते हैं? ईद तो महान पर्व है, लोक पर्व है, लोगों का भाईचारा का, सद्भावना का, अपनापन का, प्रेम का, मोहब्बत का। सब जगह जाते थे, गला में लोग मिलते थे, आपस में असेवाई उबाई चलती थी। और सब इस बार ख़त्म हो गया। इस बार तो लॉकडाउन में सब ईद मने मने रहोगा। अब तो जुटान भी मना है और लोग त्रस्त हैं, व्यस्त हैं कोरोना के सामने। दुनिया विश्व महामारी से तबाह है। ऐसे अवसर पर ईद में खुशियां मनाई जाए, और ईद खुशी का ही पर्व है, तो अब जुटान किए बिना ही न मनाना पड़ेगा। और खुदा और सब इबादत लोग करेंगे और उनका महसूस करेंगे, भाईचारा बनी हुई रहे और कोरोना से मुकाबला के लिए सब लोग एकजुट रहें, यही संदेश है और यही शुभकामना है। कि ईद के मौके पर सब जगह जाते थे, इस बार नहीं जा सकेंगे, तो यहीं से मैं सभी लोगों की को शुभकामनाएं देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि सब लोग मिलजुल करके भाईचारा बनाए रखेंगे और महामारी से मुकाबला करेंगे। जी सर, क्वारंटाइन सेंटर की तुलना में जेल से की जा रही है, जिसमें कुछ ना क्वारंटाइन वगैरह सब झूठा है, सब धोखा है। कहीं इनको जगह उगह नहीं है, न कोई इंजाम है। सब जगह मार काट हो रहा है, झगड़ा झंझट हो रहा है। जोर अखबार देखिए, हालांकि सभी बातें अखबारों में नहीं आ पाती, लेकिन कहीं इनका इंजाम नहीं है। सब ये लोग फेल हैं, ये अपन खाली प्रचार करते हैं। कहीं 1000 रुपया भेज दिया, कै रोज खाएगा? 500 रुपया भेज दिया, कै रोज खाएगा लोग? अब वह को अनाज 5 किलो दे दीजिएगा तो उससे कै रोज खाएगा लोग? असली है कि देश भर में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। असली हिफाजत है उनको करना देखना। जो प्रवासी मजदूर जिनको कहते हैं, हाय हमारा देशवासी, और उसको हम कह रहे हैं प्रवासी, और उसके लिए साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह असह्य स्थिति है। रोना धोना मन करता उसको देख करके कि रे भाई, कोई साइकिल से चल रहा है परिवार के ला रहा, कोई पैदल चल रहा है, कोई रास्ता में पिछा गया, कोई ट्रेन कतर दिया किसी को, हाई बाप दिया, भूखे प्यासे चल रहा है हजारों हजार किलोमीटर, कोई देखने वाला नहीं है। सारा इनका झूठा है, सारा बयान इनका फीका है, ये छल है धो जनता के साथ। किसी ने ख्याल किया जो इतने लोग मजदूर हमारे सब जगह काम कर रहे हैं, सब जगह काम ठप हो गया, भूखमरी से बचने के लिए काज, चलो कोरोना तोरोना क्या चीज़ है, उसी से मरेंगे, लेकिन घरे मरेंगे, जैसे तैसे लोग घरे चल रहे हैं, उसका कोई है वर्णन? देखे पाती के पाती, सैकड़ों झुंड के झुंड, कोई रेल लाइन धर के, कोई सड़क धर के, कहीं पुलिस से तबाही, कहीं घेर छेक, भूखे प्यासे बाल बच्चा परिवार जन सबको ले जा कर के, एक से एक दुर्घटनाएं हो रही है, सब जगह मर रहे हैं लोग। कितने मजदूर मरे हमारे रास्ते में, और अभी भी कोई उपाय नहीं, इतरा नहीं है, ये ट्रेन चला दूंगा या चला दूंगा, इतना दिन से जब बीमारी पट गई तब लाने का इंजाम हुआ। शुरू में ना ले आते बाहर से लोगों को, बीमारी जब पटा दिया है सब जगह तब अब आ रहा। छोटका मोदी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं क्या पूरी तरह से कोरोना? छोटका मोदी रोज दिन अपना खाली बयान करेंगे, इनका कुछ है नहीं, इनको कोई देश दुनिया प्रदेश और जनता से कोई मतलब है, या इनका सरकार में कुछ चलता है, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये अपना बयानबाजी में लगे हुए हैं, और उससे देश प्रदेश का कोई भला नहीं हो सकता, और कोई पसंद भी नहीं करता है इनके बयान को। नीतीश जी खुद अपने आवास में क्वारंटीन हो गए हैं, हालत भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि बाहर निकले, उस पर क्या कहना है? कुछ नहीं, ये लोग अपना घर में रहेगा, खाली अखबार में अपना बयान और फोटो छपाएगा, या और कुछ दूसरा काम भी कहीं नहीं हो रहा है, खाली घोषणाएँ हो रही है, सबके काम दे देंगे, रोजगार गारंटी से 200 दिन मांग कर रहे हैं,
अभी तक के इतिहास में कई रोजी साल में 100 दिन जहां देना था कई रोजी दिए हैं। और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों ने जो रोजगार गारंटी का इस्तेमाल किया है, ये कई हजार करोड़ खर्चा किए हैं हर साल, वो सब 5,000-6,000 करोड़ खर्चा किया है, आइए 1,300-1,400 करोड़ पर रह गए, क्या रोजगार गारंटी का इस्तेमाल करेंगे? अब बाहर से जितने हमारे बिहार के लोग बाहर रह रहे थे, किसका मजाल है, कहाँ से काम दे देंगे? ये बयान करते हैं हम काम दे देंगे, और असली तो है उनका रोजगार मिलना, असली काम वह है, लेकिन घोषणा से खाली हो जाएगी, बात बन जाएगी घोषणा से खाली, बात बहादुर हैं, घोषणा इनका बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं। प्रवासी मजदूरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना बड़ा भारी, प्रवासी मजदूर वाली स्थिति तो असह्य है, ये लॉकडाउन है, महामारी है, नहीं तो सरकार से 9-6 सीधा लड़ाई वाली बात है इसमें, इतना भारी अन्याय हो रहा है उनका, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी जानकारी लेने वाला भी नहीं है, जो क्या पीड़ा से गुजर रहे हैं लोग, हजारों लाखों लोग, माने कोई सहारा नहीं मिला तब ना पैदल चल दिया, मरने को तैयार है, साइकिल से चल दिया, ठेला पर चल दिया, लाख रुपया ट्रक के भाड़ा का कर। सर, लॉकडाउन 4 पे क्या कहना है आपका? लॉकडाउन 4 जो लगा है, लॉकडाउन 4 क्या, इनका सब लॉकडाउन फेल है, दुनिया के विभिन्न मुल्कों में 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन का समय दिया तब लॉकडाउन, अचानक मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे नोटबंदी के रद्दी के टुकड़े हो गए, अब देश भुगत रहा है अभी तक उसका कुप्रभाव, उसी तरह से लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया, आज जनता कोई मदारी समझते हैं, ढोलसूप बजाओ, डगड़ा बजाओ, थाली बजाओ, आ इससे कोरोना कैसे मुकाबला होगा, इतना करोड़ों लोग थे जहां तहां काम में, सारा काम ठप हो गया, भोजन पर दिक्कत हो गई, लोग को रहन सहन मुश्किल हो गया, घर भाड़ा जुटाना, उधार देना बंद हो गया, तो चल दिया यात्री परिवार सहित, इसका ख्याल किया इन्होंने, 20 लाख करोड़ के पैकेज, जब कहते 10% GDP का दे दिया, 1% भी GDP का नहीं है, ये तो सब लोन तोन ये सब है, तो इसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कहते 20 लाख करोड़ 5 दिन तक इनका वित्त मंत्री धारावाहिक बयान कर रहा है लोगों को बरगलाने के लिए, समझाने के लिए, माइनस पर चला जाएगा GDP ग्रोथ, देश का क्या होगा ये सोचना है, कि आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और इससे रसातल में लोग चले गए, सारा जगह काम ठप हो गया, ऐसा कहीं हुआ है, इसलिए देश के लिए बहुत भयानक परिस्थिति है, और ये लोग का देश से कोई मतलब नहीं, अपना प्रचार 1,000 रुपया भेज दो, 500 रुपया भेज दो, अपना प्रचार करो, अपना वोट उठ के ब्योत में लोग लगे हुए हैं, वो एक बात का जवाब दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भाजपा वाला कोई, मैं चुनौती देता हूँ, 14-15 मार्च को राज्य ये हमारा स्टेट पार्टी इसका राष्ट्रीय जनता दल का की सरकार सम्मेलन था राजगीर में, स्थगित हो गया, 13 तारीख के सांझ में हम लौटे वहाँ से, टोल प्लाजा फतुहा से, स्थगित हो गया, तो तबलीगी जमात के कैसे बैठक हो गई, वहाँ कौन बैठक होने दिया, एक गृहमंत्री जवाब दे क्यों ये पोस्ट पर बने हुए हैं, आ इनका सुरक्षा सलाहकार गया था कि नहीं राय सलाह करने, और उसको सहमति दिया कि नहीं दिया, और वहाँ बिहार शरीफ में भी तबलीगी की बैठक, तो बैठक करा दिया, वो लोग तो अपना पहले से उनका डेट तय था, तो बैठक नहीं होने देते, अब उसको लोग निशाना लगा रहे हैं, उस पर निशाना साध रहे हैं कि वो लोग तबलीगी जमात वाले फैला दिए, ये कम्युनलाइज कर दिया इस बीमारी को भी, तो इसलिए ये सभी इसका जवाब दे कोई, ये जब राजनीतिक दल के बैठक स्थगित हो गई तो तबलीगी जमात के बैठक कैसे होने दिया, ये लोग दिल्ली के करेजा पर इनके यहाँ बैठक किया, आ इनकी सहमति से बैठक किया, और डोभाल गए थे राय सलाह करने, और तब बैठक हुई, और उसके बाद कहते हैं तबलीगी वाले फैला दिए, और उसको खोजे चलते हैं, इसलिए ये सभी पर विचारण होना चाहिए, अभी तक चूँकि मुकाबला है विश्व महामारी से, तो इसलिए जो विकसित मुल्क है वो भी पिछड़ रहे हैं, तो इस हालत में अपने यहाँ क्या इंजाम है, इनका जांच का इंजाम है, इनका बेड बिस्तर है बीमारी के रखने का, कहाँ रखें, तो इसलिए ये भगवान की कृपा है, ये बहुत नाम मात्र के जहाँ तहाँ बीमारी है उसका देश का लोग मुकाबला कर लेगा, ये क्या करेगा।